मुबीन एजू एंड वीलॉग यूट्यूब चैनल पर आज के वीलॉग में नए और पुराने दोस्तों को खुशामदीद। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो पीपीएससी के ज़ेर एहतमाम पीएमएस लेक्चरर एसएस या ट्रिपल एस या पीसीएस सीएसएस का फिज़िक्स के मज़मून का इम्तिहान देना चाहते हैं। ये वीडियो पीपीएससी के निसाब की सीरीज़ का हिस्सा है। आपको दूसरे बहुत से मजामीन का सिलेबस भी इसी चैनल पर मिलेगा। ये निसाब पीपीएससी सीएसएस की जारी करदा है। एफपीएससी पीपीएससी का ये सिलेबस है। इस निसाब के अलावा आपने किन चीज़ों और कुतब का मुतालिया करना है वो वीडियो के आखिर में बताया जाएगा। नए आने वाले दोस्त अपने यूट्यूब चैनल मुबीन एजू एंड वी लाग को सब्सक्राइब कर लें। सब दोस्त इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और तजावीज़ का इजहार करें और उन अनवानात का ज़रूर बताएं जिनके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। अब हम आते हैं फिज़िक्स के सिलेबस की तरफ। तो लेक्चरर और बाकी तमाम कैटेगरीज जो पहले मैं बता चुका हूं उसके लिए फिज़िक्स का जो सिलेबस है उसका पहला मेन टॉपिक मैकेनिक्स है। इनमें आपने जिन सब टॉपिक्स का मुतालिया करना है उसमें है वेक्टर्स, डॉट्स, क्रॉस एंड ट्रिपल प्रोडक्ट्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड एप्लीकेशंस, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, गॉसिस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मोशन इन अ सर्कल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, स्पिन एंड प्रिसीजन, गायरोस्कोप, ग्रेविटेशन, प्लेनेटरी मोशन इंक्लूडिंग सैटेलाइट, वर्क एनर्जी थ्योरम, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मिस्किलसन मॉरल एक्सपेरिमेंट, आइंस्टाइन पास्टुलेट्स, लॉर्नर्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इक्विलेंस ऑफ मैस एंड एनर्जी। नेक्स्ट मेन टॉपिक फ्लूड मैकेनिक्स, इसमें जिन चीज़ों को स्टडी करना है वो है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, फ्लूड मोशन एंड बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट मेन टॉपिक वेव्स एंड ऑसिलेशन, इसमें फ्री ऑसिलेशन विद वन एंड टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस, लिसगस फिगर, कपल्ड ऑसिलेशंस, ट्रेवलिंग वेव्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, स्टैंडिंग वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरोमीटर एंड न्यूटन्स रिंग्स, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड द रिजॉल्विंग पावर, स्पेक्ट्रोमीटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, नॉर्मल एंड एनोमलस डिस्पर्शन, कोहेरेंस, लेजर्स एंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट मेन टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का है। इसमें परफेक्ट गैस एंड वंडर वॉल्स इक्वेशंस, थ्री लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, गिब्स फंक्शन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, इंथैल्पी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल सिस्टम, प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ब्रोनियन मोशन, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, क्वांटम बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, गॉसिस लॉ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
एंड पॉइजन एंड लेप्लास इक्वेशन, डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड पोलराइजेशन, कैपेसिटेंस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, एम्पेयर्स लॉ, वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ट्रांजिएंट करंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड LRO सर्किट, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर। नेक्स्ट मेन टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो चीज़ें आपने स्टडी करनी है वो है थर्मोनिक इमिशन, स्पेस चार्ज, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोडी एंड देयर स्टैटिक एंड डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन और डिटेक्शन, वेरियस बेसिक सर्किट्स फॉर रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, मॉडुलेशन एंड डिटेक्शन कनेक्टेड विद रेडियो रिसीवर्स एंड ट्रांसमिशन, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, बायस्ड फंक्शन, ट्रांजिस्टर्स, कॉमन बेस, कॉमन मीटर एंड कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशंस, ओपी एम्पलीफायर, करेक्टरिस्टिक्स, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, एप्लीकेशंस नंबर सिस्टम्स, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, बाइनरी कोड, बाइनरी अरिथमेटिक, बीसीडी कोड एंड पैरिटी, लॉजिक गेट्स, बूलियन आइडेंटिटीज, डी मॉर्गन थ्योरम्स, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, डिकोडर्स, पैरिटी जनरेटर एंड चेकर सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, RSJK एंड डी टाइप। नेक्स्ट मेन टॉपिक एटॉमिक फिजिक्स का है, इसमें आपने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है बोहर थ्योरी एंड क्वांटम नंबर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल सिस्टम्स विद वन और टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, लैंडीज जी फैक्टर एंड जी मान इफेक्ट, वेव्स एंड पार्टिकल्स एंड डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, श्रीडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। न्यूक्लियर फिजिक्स आखिरी मेन टॉपिक है, इसमें आपने जो चीज़ स्टडी करनी है वह स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी एंड डेके, मेथड्स ऑफ डिटेक्शन, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, एसिलेटर्स, फिनोमिनन ऑफ फ्यूजन, रिएक्टर एंड न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड इट्स एप्लीकेशन, न्यूक्लियर मॉडल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये सिलेबस था आपका FPSC और PPSC की तरफ से। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आप लेक्चरर का पेपर देना चाह रहे हैं तो आप FSC और BSC इसकी फिज़िक्स की जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की और यूनिवर्सिटी की तरफ से मटेरियल है उसका ज़रूर मुतालिया करें, और अगर आप SA या SSS का इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो मैट्रिक और FSC की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की या आपके मुतलका प्रोविंस की टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं उनको ज़रूर जो है वो स्टडी करें, फिज़िक्स की बुक्स को। आखिर में आपसे कहना है कि अपने यूट्यूब चैनल मुबीन NU एंड वीलॉग को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स।